तौर पर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे दफ्तर लिए चलते हैं जहां आपके कागजात की जांच पड़ताल मुफ्त की जाती है और आप मुमकिन फ्रॉड से बच जाते हैं। शिराज असनाद की रिपोर्ट देखिए। बैरून मुल्क अपने ख्वाबों की ताबीर की ख्वाहिश में बेशतर नौजवान सरमाया और उम्र भर की जमा पूंजी दाव पर लगा देते हैं। महकमा लेबर पंजाब के दफ्तर में कायम माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। लोगों को सही जराए की मालूमात मिलती है जिसकी मदद से वो अपनी दरख्वास्त कानूनी तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। हजारों लोगों को हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। मोस्टली जो है हमारे पास जो लोग रीच आउट करते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल्स जो है वो रिलेटिवली रेशो स्टिल अभी कम है हमारे। नादिया काशिफ कहती है कि ये लोगों को गैर कानूनी माइग्रेशन के खतरात से आगाह करते हैं, साथ ही इन्हें कानूनी तरीके कार बारे मुकम्मल ब्रीफ करते हैं। हम लोग उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि राइट सोर्स से इन्फॉर्मेशन होती है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और उस क्लियर इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए वो अपना माइग्रेशन प्रोसेस को प्लान कर सकते हैं और अपने सफर को जो है फर्दर स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान कहते हैं कि इन्हें रिसोर्स सेंटर से बाहर जाकर कोर्स करने और कानूनी तरीके से अप्लाई करने के बारे में मुफीद मालूमात मिली। ये बहुत अच्छा अदारा है, अवेयरनेस देता है। मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को बताया था, इनसे रब्ता करें बाहर जाने से पहले, ये ऐड देख के उनको पैसे देने से पहले वेरिफिकेशन कर लें इनसे आया कि ये सही है या गलत है। अगर वहाँ पे इनलीगल हैं तो आपको ये मज़ीद गाइड करेंगे वहाँ से, जो इनका जो रब्ता है ना उधर को मतलब एम्बेसी से, तो ये रब्ता करके उनके लिए अच्छी एक सहूलत जो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि वो लीगल आ जा सकते हैं। एक मोहतात सरकारी अंदाजे के मुताबिक हर साल पाकिस्तान से 50,000 से ज्यादा नौजवान सुनहरे ख्वाबों की तलाश में गैर कानूनी तौर पर यूरोप का रुख करते हैं और अक्सरियत अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शहराज असनाद, हम न्यूज़ लाहौर। और एक रांची से जिस